hello everyone welcome back to the coding destination so my name is chirag vashno and in the continuation of the graph series that we have started on this particular channel the question today we are going to solve is very important and standard one so if a person either he or she is doing graph subject he or she has to do this question it is kind of a compulsory question so it is topological sort right topological ऑल्सो इट इज़ फेमसली नोन एस शॉर्ट फॉर्म में जिसके डिराइव्ड uh, क्वेश्चन रहते हैं उनको कहते हैं कि टोपो शॉट से वो क्वेश्चन किए गए हैं तो इट इज़ नोन एज टोपो शॉट सो नेम में शॉर्ट आ रहा है तो so, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ग्राफ को सॉर्ट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बट दिस शॉट हैज़ समथिंग टू डू विथ ग्राफ स्पेशली एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है और जब मैं इसको समझाऊँ आपको तो यू विल फील के हाउ दिस वर्क राइट तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आपको एक ग्राफ एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ फटाफट फटा राइट right? So let's say we are having an example of 1, here yeah, 0, here yeah, 2, 3, 4, and 5, okay. Here we have 3, here we have 4, and 4 goes to 5, right. Sorry, here we have 4, and here we have 5, right. So suppose this is kind of graph, in that you have to find topological sort, right. So topological sort? Topological sort uh, is kind of arrangement of all the elements that we are having in the graph. दैट इज़ हैविंग लीज डिपेंडेंसी राइट तो एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ जैसे अगर मुझे डी एस ए करनी है डी एस ए के लिए आइदर यू शुड सी प्लस प्लस एंड यू शुड नो जावा ठीक है तो मुझे सबसे पहले जावा बतानी कि जावा पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है जावा पे कोई डिपेंडेंट नहीं मतलब सी प्लस प्लस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है जावा पे कोई डिपेंडेंट नहीं है राइट right? फिर उसके बाद डी एस ए पर इसकी डिपेंडेंसी आ रही है तो आइदर इसका ये जो सिक्वेंस बनना चाहिए वो बनना चाहिए सी प्लस प्लस जावा और डी एस ए और जावा सी और डी एस राइट इसका सीक्वेंस आई एम रियली सॉरी जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है उसका सीक्वेंस काइंड ऑफ ये बनना चाहिए सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद दिस राइट तो अब इसको मैं इसमें कैसे इंप्लीमेंट करूंगा राइट right? तो इसे फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट दिस एप्लीकेशन ओनली तो ये एप्लीकेशन राइट right? इसकी अदर एप्लीकेशन होती है पैकेज मैनेजर में पैकेज मैनेजर में कैसे कि जैसे सपोज यू आर हैविंग एन एप्लीकेशन सो दे आर सम प्री रिक्वेज

हाउ टू शॉर्ट दीज थिंग्स राइट सो इट इज़ विद देल्प ऑफ ग्राफ ओनली तो ये तो हमने डिस्कस कर ली कि इसकी क्या एप्लीकेशन uh, है टोपोलॉजिकल शॉर्ट है क्या राइट अपना लेट्स डिस्कस कि हम इसको इसमें कैसे शॉर्ट करेंगे इसमें हम कैसे देखते हैं इसको राइट ओके सो इन द गिवन क्वेश्चन जैसे वन है लेट्स वी स्टार्टेड विद ज़ीरो ठीक है तो मैं जीरो पर गया ठीक है अब मैंने नहीं मैं गया नहीं ऐसा मैं देख रहा हूँ राइट तो अब जीरो पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है फिर वन पे गया ठीक है वन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है राइट वन पे वन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है फिर थ्री थ्री की कोई डिपेंडेंसी नहीं है फाइव टू वन सो दिस कैन बी वन ऑर्डर ऑफ टोपोसॉट फाइव टू फोर दिस कैन बी वन ऑर्डर ऑफ टोपोसॉट टोपोसॉट कैन हैव एनी पर्टिकुलर मेथड और पर्टिकुलर चांस यू वॉन्ट राइट सो इट इज नथिंग टू डू विथ एनी थिंग राइट है ना तो अब मुझे इसको करना क्या है कि वी विल डिस्कस कि हम उसकी डी तो कैसे कॉल करते हैं इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डी एफ एस ओनली डी एफ एस की हेल्प से हम इसको करने वाले हैं बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन एंड द कोड पार्ट आई वुड लाइक टू मेन्शन न्यूटन स्कूल सो न्यूटन स्कूल इज ओनली प्रोवाइडेड मी सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू इंटर विद यू गाइज टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर सो टॉकिंग अबाउट न्यूटन स्कूल न्यूटन स्कूल इज अट टेक प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू टू बिल्ड योर करियर इन टेक स्पेसिफिकली राइट इट इज हैविंग अ सिक्स मंथ्स लॉन्ग क्यूरेटेड कोर्स विच हेल्प्स यू टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड आफ्टर यू कंप्लीटेड द कोर्स It is connected to a lot of companies, which helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay them after you got placed, right? Isn't this amazing? It means it is such an amazing opportunity. And if you are interested, you should for sure enroll in this, right? Now let's uh, visit the website. That what's given on their website.

जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया तो मेरे टोपो सॉर्ट में एलिमेंट उस अकॉर्डिंग आने चाहिए कि जिसके ऊपर सबसे कम डिपेंडेंसी है राइट right? तो अब सपोज आई स्टार्टड डी एफ एस ऑन एनी थिंग राइट जैसे वन ज़ीरो वन टू फोर फाइव ठीक है तो अब मैं इस पर गया ठीक है मैंने इस पर डी एफ एस लगाई तो अब ये प्रोसेस होगा फिर इस पर डी एफ एस लगाई तो ये प्रोसेस होगा फिर इस पर डी एफ एस लगाई तो तो ये प्रोसेस होगा मीन्स आई होप फ्रॉम दिस पार्ट वेर आई एम गोइंग इज वेर आई एम गोइंग इज कि अगर मैं किसी नोट पे डी लगाता हूँ तो उसके बचे हुए सारे नोट प्रोसेस होंगे ठीक है अब जैसे मैंने जीरो से इस पर लगाई थी तो इन सब की डिपेंडेंसी ज़ीरो है आई नो ठीक है तो इन सब की डिपेंडेंसी ज़ीरो है तो इस पूरे ग्रुप में सबसे कम डिपेंडेंसी किसकी है जहाँ से मैंने डी कॉल करी राइट तो अगर मैं <coughs> डी एफ एस कैसे लगाते हैं डी एफ एस वी गो टू then एंड देन वी रिकर्सिवली कॉल and फंक्शन एंड देन वी स्टोर एंड मैनिपुलेट एंड प्रोसेस द right? अकॉर्डिंगली राइट सो विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो पहले तो ये प्रोसेस होगा फिर इस पर रिटर्न होगी चीज राइट right? तो मुझे करना क्या है कि डी एफ एस ही लगानी है बट एट द एंड ऑफ डी एफ एस आई विल एड ऑल द the टू द स्टैक राइट अब मैं स्टैक में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट इन आई वॉन्ट दैम इन रिवर्स ऑर्डर राइट तो एक बार मैं करूँगा तो यू यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव टू डील विद दिस राइट सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ये मेरा ग्राफ है ठीक है अब मैंने वन से डीएफएस शुरू करी ठीक है ओके लेट्स से हमने जो एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं बिकॉज इसमें तो ये बहुत आसान हो जाएगा राइट तो जीरो वन टू राइट थ्री फोर एंड फाइव दिस वॉज द एग्जाम्पल राइट तो अब सपोज़ मैंने यहाँ से डी एफ ए शुरू करी सपोज़ uh, मैंने डी एफ ए शुरू करी ज़ीरो से ठीक है तो मैं एक स्टैक मेंटेन करूँगा और उसमें मैं एलिमेंट्स डालता जाऊँगा ठीक है तो मैंने ज़ीरो से शुरू करी तो uh, ज़ीरो से शुरू करी तो ज़ीरो के मैं सारे नेबर्स को विज़िट करूँगा ठीक है ज़ीरो का को कोई नेबर नहीं है है ना तो ज़ीरो का को कोई नेबर नहीं तो मैंने ज़ीरो को स्टैक में डाल दिया अब मैं दूसरे पे गया सपोज करो मैं इस पे गया वन पे ठीक है अब मैं वन के सारे नेबर्स को विजिट करूंगा जीरो ऑलरेडी विजिटेड है ठीक है अब मैं वन पे गया ठीक है अब मैं वन से चेक कर रहा हूँ कि वन से क्या मैं थ्री पे जा सकता हूँ हाँ मैं थ्री पे गया तो पहले मैं थ्री पे गया हूँ पहले मैंने उसको स्टैक में पुश नहीं किया पहले मैं उसके सारे नेबर्स को प्रोसेस करूँगा ठीक है उसके बाद हम स्टैक में पुश करेंगे क्यों क्योंकि स्टैक में सबसे एंड में क्या आएगा सबसे एंड में आएगा मेरा सोर्स नोड है ना तो मुझे क्या चीज़ सबसे एंड में आएगा जो स्टैक की सबसे एंड में आएगा मतलब उसकी सबसे कम डिपेंडेंसी है है ना जब मैं उसको शॉर्ट कर जब उसको रिवर्स ऑर्डर में पुश करूंगा तभी तो मेरे पास सबसे कम डिपेंडेंसी वाले फ्रंट फ्रंट पे आ जाएंगे मेरे एरे के है ना इसी तरीके से मुझे करना है तो मैंने पहले जीरो पुश कर दिया फिर उसके बाद यहाँ पे थ्री तो थ्री गया थ्री का एक और नेबर है फाइव फाइव के आगे कोई नेबर नहीं है तो अब जब मैं फिर फाइव के सारे नेबर एक्सप्लोर कर लिए फाइव का को कोई नेबर नहीं है तो मैंने फाइव को पुश कर दिया फिर थ्री का गया थ्री पे कोई और नेबर नहीं है तो मैंने थ्री को पुश कर दिया फिर मैं वन पे गया वन का कोई और नेबर नहीं है तो अब मैंने वन को पुश किया फिर मैं टू पे गया ठीक है तो टू के लिए फ़ोर पे पहले गया फोर का कोई और नेबर नहीं है फिर टू को पुश कर दिया तो ये मेरा स्टैक हो गया तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये ऐसा होगा ये कि टू फोर वन थ्री फाइव जीरो सो दिस इज दिस विल बी द ऑर्डर सो टोपोलॉजिकल शॉर्ट की ऑर्डर कुछ भी हो सकती है इट डिपेंड्स कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देट बट दिस इज द लॉजिक क्यों क्योंकि डी एफ एस में अगर मैं किसी नोड से किसी भी डी एफ एस अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑलरेडी द डी एफ एस का जो सब पार्ट है वो दैट विल भी डिपेंडेंट ऑन द सोर्स नोड ओके सो व्हाट वी विल डू वी विल गो टू द डीएफएस, वी विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी पार्ट एंड पुश इट टू द स्टैक एंड एज डीएफएस, वी नो दैट कॉलिंग इज रिकर्सिव सो दोर्स नोट जिससे हमने डी एफ लगाई है वो एंड में कैलकुलेट होगा ठीक है तो जो डिपेंडेंसी होगी वो स्टैक में भरती जाएगी भरती जाएगी, भरती जाएगी और एंड में हमारा सोर्स नोड आएगा तो so जब मैं उसको रिवर्स करूँगा तो जो एंड वाला जो सोर्स नोड है जिसकी डिपेंडेंसी सबसे कम है दैट विल बी ऑन द फ्रंट ऑफ द एर सो दिस इज हाउ द टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग विद वर्क सो लेट्स क्विकली राइट द कोड

तो फॉर इंट आई टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ़ नॉट विजिटेड ऑफ आई अगर विजिटेड नहीं है तभी हम डी एफ एस कॉल करेंगे ठीक है तो डी एफ एस कॉल करनी है हमें भैया तो डी एफ एस के लिए हमें क्या चाहिए तो एक तो एडजेंसी देनी पड़ेगी एक एन देना पड़ेगा और एक विजिटेड तो देना ही पड़ेगा और एक फ़ाइनल देना पड़ेगा ठीक है अभी तक इतना हमें पता है हम देखेंगे आगे कुछ और देने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है ठीक है तो लॉजिकल यहाँ पे टी नहीं आएगा दैट शॉट मैं आंखों में भटक रहा था वो चीज़ ठीक है है ना तो अगर विजिट नहीं है तो डी लगा दी मैंने एट द एंड रिटर्न फाइनल ठीक है तो ये हमने कर दिया तो ये तो मेन फंक्शन था मेन फंक्शन भी हम सही से नहीं लिख पा रहे यहाँ पे ठीक है अब सही हो गया ठीक है अब मुझे ऊपर जाके डीएफएस भैया का हालचाल पूछना है तो हमने वॉइड ही रखा है डी मैं वॉइड रखना ही प्रेफर करता हूं ठीक है वेक्टर इंट एंड एक तो विजिटेड हो गया और एक फाइनल ठीक है तो ओके यू हैव टू गिव स्टार्ट है तो यहाँ पे एक इन स्टार्ट भी हम दे रहे हैं यहाँ पे तो उसको सिमिलरली एजेंसी एन के बाद मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ठीक है तो आई यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको ठीक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि विजिटेड करना है इसको तो विजिटेड ऑफ स्टार्ट को मैंने वन कर दिया ठीक है पहले हम क्या करते हैं प्रोसेसर ओड ठीक है order, तो पहले क्या कर दिया हमने इसको विजिटेड कर दिया अब विजिटेड करने के बाद मैं क्या करूँगा मैंने उसको विजिटेड कर दिया मैं उसके सारे नेबर्स चेक करूँगा ठीक है और मैं इसको क्या करूँगा सबसे पहले तो फाइनल डॉट नहीं यहाँ पे नहीं ओके हाँ सो ओके ठीक है मैं स्टैक बना रहा हूं यहाँ पे इंट एस फाइनल हमें चाहिए होगा पर फाइनल हमें फाइनल में चाहिए होगा राइट स्टैक इंट एस हमने बना लिया है ठीक है तो अब मैं उसके सारे नेबर्स को इटरेट करने वाला हूँ फॉर ऑटो आई इन एडजेंसी ऑफ स्टार्ट है ना इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई तो डी एफ एस कॉल कर दो भैया धड़ल्ले से आई है ना और सब बाकी तो सेम ही रहने वाला है विज और फाइन एस राइट तो अब जब मैंने उसके सारे नोट्स को प्रोसेस कर लिया तब मैं एस डॉट पुश स्टार्ट करने वाला हूँ ठीक है मैंने उसके सारे नोट्स को प्रोसेस कर लिया है साइड नोट्स को प्रोसेस करने के बाद है ना जो साइड नोट्स नोट पर्से वो स्टैक में ऑब्वियसली गए हुए हैं उसके बाद में उस एड सोर्स को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि उसकी सबसे कम डिपेंडेंसी है इन कंसिडरिंग दैट ओनली आई गेट द लीस्ट डिपेंडेंसी वाली थिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक फिर उसको मैं क्या करूँगा जैसे मैं इसके बाद मुझे मेरा स्टैक मिल चुका है राइट तो अब मुझे क्या करना है okay, कि ओके हम लेट्स राइट द कोड है है नई जिको सू जीरो आई इसकी बजाय हम ये करते हैं आई एम जस्ट राइटिंग द कोड है ओके दैट पार्ट विल जस्ट कॉपी पे शेयर नीचे स्क्रोल नहीं हो पा रहा वाइल नॉट एस डॉट एम टी जब तक एस एम टी नहीं होता तो इंट temp is equals to s dot top ठीक है फिर s dot pop s dot top s dot pop कर दिया हमने और final dot pushback temp ठीक है तो सिमिलरली जब तक एस कंप्लीट नहीं होगा तो मेरे यहाँ पे फाइनल में पुश बैक होती रहेगी ऊपर की जो सबसे लीज डिपेंडेंसी वाली वैल्यूज हैं एंड एट द एंड यू हैव टू रिटर्न द फाइनल वैक्टर एंड देट विल बी आर टोपोलॉजिकल सॉर्टेड एरे सो दिस इज हाउ इट वर्क्स आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन राइट सो दिस इज हाउ इट वर्क इट वॉज प्रेटी सिंपल बट इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डी अगेन एस अगे वी डिड वन मोर एप्लीकेशन ऑफ डी एफ एस सो आई होप यू गॉट इट सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गुड डू गिव अ थम्स अप सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and also if you're interested in amazing newton schools opportunity do enroll in it guys it is once in a lifetime opportunity uh, so thank you guys